साउथ कश्मीर के शोपियां से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर एक डेड बॉडी पाई गई है जिसमें 3 बुलेट इंजरीज है। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं शोपियां से हमारे संवाददाता इरशाद। इरशाद, बताइएगा क्या है पूरा मामला। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो शोपियां आपके सामने आ रही हैं। शोपियां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक डेड बॉडी पाई गई है जो कि एक नॉन लोकल की बताई जा रही है और 3 बुलेट इंजरीज जो हैं इस डेड बॉडी पे हैं। तो चलिए जानते हैं इरशाद हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। जी इरशाद, बताइएगा। शोपियान में फिर से एक बार गोली चली है। मैं आपको बता दूं इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है मेलहोरा के अंदर। तो आज सुबह जो है पुलिस को एक डेड बॉडी जो है रिकवर हुई और उसमें 3 राउंड जो है उस पर दागी गई है। और अगर बात की जाए इस इलाके की तो इस इलाके में बिल्कुल डीआईजी साउथ कश्मीर और एसएसपी शोपियान, डीआईजी और सीआरपीएफ जो है बिल्कुल इस चीज को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या हमलावर यहीं पे हो सकते हैं। हर आने जाने वाले से उनका शिनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं जो शख्स यहाँ पे जामबाग हुआ है इसकी शिनाख्त अशोक जो है चौहान बबक के बतौर हुई है जो की बिहार का रहने वाला है। और इसमें जो है 3 राउंड जो है गोलियां उसपे उसके सीने पे दागी गई है और इसकी डेड बॉडी जो है एक आर्चर्स में जो है वो पाई गई है। फिलहाल मैं बता दूं कि बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। हर आने जाने वाले से उनका शिनाख्ती कार्ड चेक किया, ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर है वो यही पे छुपे हो सकते हैं। गुलिस्तान के लिए फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डेड बॉडी पाई गई है और अशोक उसका नाम है, एक नॉन लोकल की डेड बॉडी है।